यूपी के सोनभद्र में जमीनी विवाद में 10 लोगों के मरने के बाद अब वह सियासी मोड़ ले लिया है। हम आपको बता दें कि पीड़ितों से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जा रहे थे, जहां पर हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में उन्हें यूपी पुलिस के द्वारा रोक दिया गया, जिसके बाद प्रियंका गांधी वहीं पर धरने पर बैठ गए। जिसके बाद हम आपको बता दें कि पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के आदेश के बाद पूरे देश में यूपी सरकार के विरोध में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं भिवंडी सर, जहां पर अल्पसंख्यक भिवंडी शहर के अध्यक्ष तुफैल फारूकी के नेतृत्व में उनके देख सकते हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि उनके सहयोगी मित्र वहां पर अर्थी आजमी, परवेज खान उर्फ पीके, तारिक काजी, इस्लाम टोडे सहित कई मान्यवर इस प्रदर्शन में दिखाई दिए। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि तुफैल फारूकी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी सरकार ने हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को रोकने का जो काम किया, उन्होंने धारा 44 बताकर उनको रोका गया है, इस चीज़ को लेकर हम लोगों में पूरे मायनेटी के लोग आज भिवंडी शहर के अंदर रोड पे उतरे हुए हैं और एहतजाज अपना दर्ज करा रहे हैं। अगर इस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने आवाम की आवाज़ को और लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी तो हम और बड़े पैमाने पर एहतजाज और धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि यूपी के सोनभद्र में जो 8 लोगों की निर्मयी हत्या हुई है, उसके लिए सहानुभूति जताने के लिए प्रियंका गांधी जी वहां जा रही थी, मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ज्यादति करते हुए उन्हें वहां पर रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार किया। ये भारत के संविधान के खिलाफ बात है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, किसी की भी हत्या होती है, कोई प्रकरण होता है, कोई बात होती है तो आदमी सहानुभूति के लिए जाता है, ये सहानुभूति के लिए भी जाने को नहीं दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इसका पूरा निषेध कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल के लोगों ने आज ये धरने का प्रदर्शन किया है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है और हम लोग हर तरीके से तैयार है कि हमें प्रियंका गांधी जी हुकुम दें। अगर वो हुकुम करेंगे तो हम यूपी में आकर के भी एहतजाज करेंगे। और हमारा आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि भैया यूपी चला रहे हैं आप, राज्य का शासन प्रशासन अच्छा चलाइए, लोगों की हत्या होती है, लोगों के साथ में जुल्म होता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, ना कि आप लोगों को रोकने का काम करें। ये रोकने का काम करके आपने साफ साफ बता दिया है कि आप जुल्म वाली सरकार चला रहे हैं, आप भारत के संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सोनभद्र का जो प्रकरण हुआ है, जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को रोकने की कोशिश की गई, उनको अरेस्ट किया गया, इसके विरोध में आज हम यहाँ पे भिवंडी वासी अल्पसंख्यक के जो भी लोग हैं वो आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़माना जब कभी जुल्म की बौछार करता है, हमारा हौसला तूफान की दीवार बनता है, और जब तुम्हारा जुल्म ही काफ़ी है हमें बेदार करने को, जो लोहा जर्ब सहता है वही तलवार बनता है। कांग्रेस आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।